Now we shall discuss about Eigen's principle. Though we have already discussed about the referent. Referent का मतलब क्या होता है? कि locus, location of all those particles vibrating in the same phase, है ना? उन सभी particles का position जो एक साथ एक ही phase में हो, इसको मैंने अपनी मैन वाला example लेके आपको समझाया था, है ना? कि referent क्या होता है? जैसे सीना का फ्रंट होता है वैसे अब आइगन साहब ने अपने कुछ प्रिंसिपल दिए थे, इसके बारे में तो उसको हम डिस्कस कर देते हैं। इसमें से पहला प्रिंसिपल उनका ये है कि किसी वेवफ्रंट, जैसे ये तुम्हारा वेवफ्रंट है, इस वेवफ्रंट पे ए बी सी और डी ये प्राइमरी वेवलेंथ्स हैं, है ना, यानी पार्टिकल्स हैं लाइट। तो ये लाइट ये पहुंच जाएगा डी डैश में।
offices. Principal आया तो ये एक किया, आया तो सर तो ये एक किया. उनका ये कहना था कि the secondary difference at any given time D, जैसे यहाँ टाइम क्या है D, can be obtained by drawing outward tangent touching all the wavelets reaching to that point. मतलब C वाला है, C to D से
ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत और समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आइए energy
इज दिस मच, यही होता कॉस वन की वैल्यू कितनी होती है माइनस वन, तो एनर्जी ये चीज कितनी होती है, यहां पर आप ले लो कॉस 180 इज इक्वल टू माइनस वन, वन और माइनस वन कितना हो जाता है जीरो, तो लो एनर्जी क्या होता है जीरो, और बिना एनर्जी के कोई वेवफ्रंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो लिखेंगे हेंस बाय बैटरी कम रह गई है, देख लेता हूँ कितना परसेंट रहेगा, 10% हो जाएगा। तो अगला जो हमारा टॉपिक है और जो तीन नंबर पर बोर्ड पे सीधे आ जाता है वो ये है कि एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन, एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ विद ठीक है, चलिए करते हैं एक्सप्लेनिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी। तो वेव थ्योरी में आप जानते हो क्या होगा, सबसे पहले हम ये आया हम प्रूव क्या करना और कंस्ट्रक्शन वगैरह से पहले पहले आप इमेज बना लेते हैं, लेट देयर इज अ सरफेस, कौन सी सरफेस होती है, एक्स एक्सिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस पे एक इस सरफेस पे जो है इंसिडेंट हो रहा है एक प्लेन वेव फ्रंट, ये एक प्लेन वेव फ्रंट है, ये इंसिडेंट हुआ, दिस इज अ प्लेन वेव फ्रंट एंड इट्स नेम बी, ए प्लेन वेव फ्रंट है जो इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ, ठीक है, ये ए और बी वेवलेट्स हैं, यहां ए से मान लो एक वेवलेट इंसिडेंट हुआ, ए से ये इंसिडेंट होते हुए क्या हो गया सी पे, ये आ गया सी तुम्हारा सी पे पहुंच गया, ठीक है, ए आपका सेकेंडरी वेवलेट अब प्राइमरी वेवलेट फ्रॉम ए रीच टू सी है ना, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, अब आगे
इसको मिलाओ यहाँ पे और यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करो और इसको मिलाओ यहाँ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, देखते हैं थोड़ा बड़े। तो आगे जो है नाउ अनदर पेपर फ्रॉम बी रीचिंग टू डी, ठीक है, इससे भी डिस्टेंस कितनी होगी सी इनटू डी। नाउ डीसी incident on
रीच टू कहां पहुंचा, ए कहां पहुंचा, सी, रीच टू सी है ना। सच दैट इन टाइम टी, इन टाइम टाइम टी, सच दैट, सच दैट शॉर्ट बोलेंगे, सच दैट कि ए सी जो है वो कितने के बराबर, सच दैट ए सी इज इक्वल टू कितना है, सी इनटू टी। अब दूसरा तीसरा स्टेटमेंट देखो, वेवलेट फ्रॉम कौन सा वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट फ्रॉम बी रीच टू डी इन टाइम टी सच दैट कि बी डी, ये जो बी डी है ना, ये क्या है, डी है, ये बी डी कितना हो जाएगा, सच दैट बी डी इज इक्वल टू सी इंटू टी, दोनों आपस में बराबर होंगे। नाउ नाउ ये स्टेटमेंट आप लिख लेंगे पूरा अच्छे से, ये स्टेटमेंट है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि फोर्थ में टेक एन आर इक्वल टू बी डी, जिस किसके बराबर हो, सी सी टू डी, एंड ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम, कहां से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फ्रॉम सी, ठीक है। नाउ ये जो सी डी है ना, सी डी विल सेकेंडरी सेकेंडरी वेवफ्रंट, तो सी डी सेकेंडरी वेवफ्रंट होगा, तो क्या प्रूव करना है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो कर देते हैं हम। देखो एक ट्राइंगल, एक ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, बी ए सी, बी ए सी, और कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इन राइट एंगल ट्राइंगल बी ए सी एंड राइट ट्राइंगल कौन सा, बी डी सी, बी डी सी। अब देखो एंगल ए और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल ए जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल बी, ये भी आपने कंस्ट्रक्शन से कहा है, ये क्या है, चलिए ये हो गया। अब देखिए ए सी और बी डी दोनों क्या है, सी इंटू डी, दोनों कितने सेम है, तो ए सी इज इक्वल टू, ए सी इज इक्वल टू बी डी, बी डी है ना, ये दो क्या है सेम है, कितने भी हैं सी टू बी, और दोनों सेम बेस पे हैं, कौन से बेस पे, बी सी, तो बी सी क्या है, बी सी कॉमन है, हेंस क्या होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, प्रूव हो गया। BC is a true wavefront, true reflected, reflected wavefront, wavefront if and only if and only if a wavelet from E, ये वाला, a wave
सेकेंडरी वेवफ्रंट डीसी इन सेम टाइम टी समझ में आया आप लोगों के। तो याद रखिएगा कि डीसी खाली है ना, रिफ्लेक्शन को डिफाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।